चैनल में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, हम लोग आधुनिक काल की रचना देखते हैं और उसको किसके द्वारा लिखा गया है। ये आधुनिक साहित्य का दूसरा भाग है। पहले भाग में हम लोग इससे ऊपर जो भी तमाम रचनाकार हैं उनके बारे में देखे हैं। तो यहाँ आधुनिक काल में देखते हैं भारतेंदुगीन रचना कौन कौन सी है, जो 1850 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी के मध्य लिखी गई थी। तो यहाँ हम सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना देखते हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना में प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंद, हर्ष विनोद, विनय प्रेम, पचासा, प्रेम फुलवारी, वेणु गीत, दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा आदि है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की रचना है। जीर्ण जनपद, आनंद, अमृदय, हार्दिक हर्षादंश, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, साहित्य लहरी, ब्रजचंद पंचक आदि। प्रताप नारायण मिश्र की रचना है प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति, शतक, तस्याताम, श्रृंगार विलाप, दंगल खंड, बिरला स्वागत आदि। जगमोहन सिंह की रचना है प्रेम संपत्ति लता, श्याम लता, श्याम सरोजनी, देवयानी, ऋतु संहार, मेघदूत आदि। अंबिका दास व्यास की रचना है पवस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी आदि। राधा कृष्ण दास की रचना है कंसबध, भारत बारह मासा, देश दशा आदि। हम लोग द्विवेदी युगीन कुछ रचनाकारों को देखते हैं, जो 1900 से लेकर 1920 तक की रचना है, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना देखिएंगे। हजारी प्रसाद की द्विवेदी की रचना है काव्य मंजूषा, सुमन, काव्य कुंज, अबला विलाप आदि। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, चुभते चौबदे, पर्यात, बोलचाल, रसकला, वैदेही वनवास आदि। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है, जिसे अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा था। केदारनाथ सिंह की रचना है नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, युग की गंगा, अपूर्व युगधारा, भयंकाकुर, प्यासी पथराई आँखें, हरिजन गाथा आदि। गिरिजा कुमार माथुर की रचना है मंजीर, कल्पांतर, शिलापंख, चमकीले, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है चाँद का मुँह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक, धूल, ब्रह्म राक्षस आदि। धर्मवीर भारती की रचना है अंधायुग, कनुप्रिया आदि। अशोक वाजपेयी की रचना है एक पतंग अनंत में, सहर अब भी संभावना है। दोस्तों कुछ उपन्यास देख लेते हैं। उपन्यासों में लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है परीक्षा गुरु, और यह हिंदी का पहला उपन्यास है। श्रद्धाराम पिलौरी की एक उपन्यास है भाग्यवती। बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी, स्वज्ञान एक सुजान, देवकी नंदन खत्री की चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, किशोरीलाल गोस्वामी की तिलस्मी, शीशमहल आदि। प्रेमचंद की प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय, कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला,
प्रतिज्ञा, गवन, गोदान, मंगलसूत्र, हालांकि मंगलसूत्र ये पूरा नहीं कर पाए थे। जयशंकर प्रसाद की रचना है, उपन्यास है, कंकाल, तिली, इरावती, इनकी भी इरावती उपन्यास पूरा नहीं हो पाया था, अधूरा ही लिखे थे, बाद में पूरा किया गया था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उपन्यास है, अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, काले कारनामे, चोटी की पकड़। सुमित्रा नंदन पंत का उपन्यास है हार, इलाचंद जोशी सन्यासी, घृणामयी, मुक्तिपथ, जहाज का पंछी, प्रेम और छाया इत्यादि। जैनेन्द्र का उपन्यास है मुक्तिबोध, त्यागपत्र, परख, कल्याणी, सुनीता सुखदा। यशपाल का है दिव्या, अमिता, झूठा, सच, दादा कामरेड, धनुष के रूप में। अमृतलाल नागर का उपन्यास है सुहाग के नूपुर, शतरंज की मोहरें, मानस के हंस, सेठ बाकेमल, अमृत और विष, बूंद और समुद्र, नाचो बहुत गोपाल, बिखरे तिनके। दोस्तों इस बारे 2016 TGT में पूछा भी गया था सुहाग के नूपुर उपन्यास किसका है। अगला उपन्यास है उदय शंकर भट्ट का सागर, लरहें और मनुष्य, लोक परलोक, एक नीर, दो पंछी। भगवती चरण शर्मा का उपन्यास है चित्रलेखा, साहिब नचावत, राम गोसाई, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव। वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है मृगनयनी, झांसी की रानी आदि। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा। धर्मवीर भारती का उपन्यास है गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा। अज्ञेय का उपन्यास है शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, नदी के दीप। मुक्तिबोध का उपन्यास है विपात्र। भीष्म सहानी का उपन्यास है तमस, झरोखे, कड़ियाँ आदि। शरदचंद का उपन्यास है देवदास, चरित्रहीन, परिणिता, पथ के दावेदार, गृहदाह, श्रीकांत आदि। श्रीलाल सुकना का उपन्यास है राग दरबारी, सीमाएं टूटती हैं, अज्ञातवास, आदमी का जहर। हरिशंकर परसाई का उपन्यास है रानी नागमती की कहानी। दोस्तों उपन्यास के बाद में हम लोग कहानी देखेंगे और उसमें सबसे पहले देखेंगे मुंशी प्रेमचंद की कहानी। इनकी कहानियों में पंच परमेश्वर, सौत, कफन, रानी सारंगा, बूढ़ी काकी, ईदगाह, पूछ की रात, आत्माराम, शतरंज के खिलाड़ी, मंत्र, नमक का दरोगा। दोस्तों PGT में शतरंज के खिलाड़ी भी पूछा गया था, PGT और TGT में इसकी कहानी है। तो यहाँ प्रेमचंद की कहानियाँ तो बहुत सी है, लेकिन उन्होंने कुछ कहानियों की चर्चा किए हैं। अगला कहानी है ईशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का, राजा भोज का सपना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अद्भुत अपूर्व सपना, किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती, गुलबहार, रामचंद्र शुक्ल का 11 वर्ष का समय, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था, सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा आदि। जयशंकर प्रसाद की कहानी है आकाशदीप, पुरस्कार, छाया, इंद्रजाल, आंधी, बधुआ गुंडा आदि। सुदर्शन का है हार की जीत, पुष्पलता, कवि की स्त्री, तीर्थयात्रा, सुधा आदि। जैनेन्द्र की है अपना अपना भाग्य, बाहुबली, नोलम देश की राजकन्या। सुमित्रा नंदन पंत की कहानी है पानवाला, सुभद्रा कुमारी चौहान, बिखरे मोती, उन्मादनी, पापी पेट। निराला की कहानी है शुक्ल की बीबी, चतुरी चमार, पद्मा, लिली,
अमरकांत की है जिंदगी और जोंक, डिप्टी कलेक्टर आदि। भीष्म प्रहानी की कहानी है मौका परस्त, चीफ का देवता, भटकती राह, खून का रिश्ता। हरिशंकर परसाई की कहानी है निठल्ले की डायरी, एक फरिश्ते की कथा। धर्मवीर भारती की कहानी है गुल की बानो, बंद गली का आखिरी मकान, मुर्दों का गांव आदि। दोस्तों कहानी के बाद में कुछ नाटक देख लेते हैं, और नाटकों में भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों में देखते हैं मुद्रा राक्षस, सत्यवती हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, प्रेम योगिनी, धनंजय विजय, वैदिक हिंसा, हिंसा ना भवति, विद्या सुंदरी, रत्नावली आदि इनके कुछ नाटक हैं। शिवनंदन सहाय का नाटक है कृष्ण सुदामा नाटक। लाला श्रीनिवास दास संयोगता स्वयंवर, प्रहलाद चरित्र। प्रताप नारायण पुरोहित का नाटक है भारत दुर्दशा, हमीर हठ, संगीत शकुंतला, जयशंकर प्रसाद, अजात शत्रु, ध्रुव सामनी, चंद्रगुप्त जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, करुणालय, सज्जन, कामना, एक घूंट, प्रायश्चित, कल्याणी परिणय, प्रेमचंद्र का है करबला, संग्राम, प्रेम की बेदी, उदय शंकर भट्ट, मत्स्यगंधा, विक्रमादित्य विश्वामित्र, शक विजय, सुमित्रानंदन पंत, ज्योत्सना, रजत शिखर, मैथिली शरण गुप्त, तिलोत्मा, चंद्रहास। विष्णु प्रभाकर का है टूटते परिवेश, अब और नहीं। धर्मवीर भारती का अंधा युग। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण का है अंधा कुआं, राक्षस का मंदिर। राकेश मोहन का है आधे अधूरे, अषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस। विजय तेंदुलकर का है घासी राम, कोतवाल, हल्ला बोल आदि। तो ये मुख्य रूप से कुछ नाटक रहे, कुछ कहानियाँ रहें, कुछ उपन्यास रहे। तो इस तरह से दोस्तों दोनों पार्ट मिला करके हम लोगों ने आधुनिक साहित्य को देखा। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा उसी के बगल में बने हुए बेल आइकन को भी अब दबा दीजिए, जिससे हमारे द्वारा जो भी नए नए वीडियो डाले जा रहे हैं वो आपको